कई दिनों से बीमार मुलायम सिंह यादव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। मेदांता अस्पताल में भर्ती सपा संरक्षक का सोमवार सुबह निधन हो गया है। उन्होंने सुबह 8 बजे के बीच अंतिम सांस ली है। सपा संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम रहे मुलायम सिंह यादव के निधन से राजनीति जगत में शोक है। मुलायम सिंह यादव को 22 अगस्त को मेदांता अस्पताल में भर्ती किया गया था। 1 अक्टूबर की रात को आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। मेदांता एक डॉक्टरों का पैनल उनका इलाज कर रहा था। समाजवादी पार्टी के संरक्षक व पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव की तबीयत बीते कई दिनों से नाजुक बनी हुई थी। बीते कुछ दिनों से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आईसीयू में दाखिल किया गया था, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनकी निगरानी कर रही थी। मेदांता अस्पताल ने रविवार को बयान जारी कर बताया कि मुलायम सिंह यादव की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है और वह जीवन रक्षक दवाओं पर हैं। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तबीयत करीब 3 साल से खराब चल रही है। वह महीने में कभी 2 बार तो कभी 1 बार जांच के लिए अस्पताल में भर्ती होते रहते हैं, लेकिन अगस्त महीने से उनकी हालत में लगातार गिरावट हुई है। इटावा के सफाई में जन्मे जसवंत नगर से शुरू किया राजनीतिक सफर। मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और वे भारत के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 को इटावा जिले के सफाई गांव में मूर्ति देवी व सुघर सिंह यादव के किसान परिवार में हुआ था।